अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे HBL मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए घर बैठे बस और जहाज़ की टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका कार के लिए आपको HBL के मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगी, उस पर रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आप जब लॉग इन हो गए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आपने टिकट बुक करने के लिए सबसे नीचे जो स्क्रॉल बार है उसको दाएं से बाएं स्क्रॉल करना है। ट्रैवल का ऑप्शन आएगा जिस पे जहाज़ और बस की तस्वीर भी बनी हुई है, तो आपने उस पर ओके कर देना है। उसको आप ओके करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एयर टिकट्स, बस टिकट्स। दोनों का तरीका कार सेम है। इस वक्त मैं एयर टिकट्स का तरीका आपको समझाने वाला हूँ, तो आप एयर टिकट्स पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। उस नए पेज पर आपने जो है अपना टिकट बुक करने का जो है ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो आपने अकाउंट सिलेक्शन, उसके बाद का ऑप्शन आएगा, अकाउंट सिलेक्शन पे आपने ओके करना है। अकाउंट सिलेक्शन के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। राउंड ट्रिप है, वन वे है, मल्टी सिटी, आपने वन पे क्लिक करना है। आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे है लिविंग फ्राम, यानी कि आप कहाँ से सफ़र करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिखना है। जहाँ से अब मैं कराची का नाम लिख रहा हूँ तो कराची सिलेक्ट हो गया है। और नीचे जहाँ आपने जाना है वहाँ पे अब मैं जो है इस वक्त लाहौर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद जो है आपने इससे नीचे जो है अपनी सफ़र की जो डेट है वो लिखनी है। इस वक्त मैं यहाँ पे 20 तारीख लिख रहा हूँ। तो ये तारीख लिखने के बाद आप जो है नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपने बुक मी पे क्लिक करना है। तो बुक मी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी इंतज़ार के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आप इसमें जो है सीट्स वगैरह भी चेंज प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप इस वक्त 12 रिज़ल्ट फाउंड हो रहे हैं, जिसमें जितने भी फ़्लाइट्स हैं वो कब जाएंगी और कब लैंड करेंगी और उनकी जो है फ़ीस वगैरह, टिकट्स की सारी प्राइस वगैरह लिखी हुई है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो आप जिस सीट आप बुक करना चाहते हैं उसके आगे बुक मी का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। बुक मी पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें मुकम्मल तफसील और होगी कि ये कौन सी सीट है, कितनी प्राइस है, कितने टैक्सेस हैं और आप कितना वज़न का सामान लेके जा सकते हैं। ये आप पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके दोबारा बुक मी का ऑप्शन होगा, उस पर आपने ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, अपना नाम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना CNIC, अपनी ईमेल एड्रेस, ये आपने दर्ज करना है, ताकि आपकी सीट जो है बुक होने के बाद आपको जो रिप्लाई में मैसेज और टिकट्स वगैरह मौसूल हो, तो आपने सही नंबर दर्ज करना है, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने एड्रेस कर लेनी है। अगर पहले लिखी हुई हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये आप लिख लेंगे, लिखने के बाद मुकम्मल आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि ये दुरुस्त लिखा हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ें लिखने के बाद आप नीचे कंफर्म बुकिंग को ऑप्शन एक नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने पेमेंट के ऑप्शन पे ओके करके अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना है, तो आपके अकाउंट से जो है अमाउंट कट जाएगी और आपके पास बुकिंग का एक SMS आ जाएगा।